हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेसर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद प्रकाश पांडे। पिछले वीडियो के मैसेज हमने पढ़ा, कमेंट पढ़ा, तो कई बच्चों ने कहा कि सर क्या पूरा वीडियो फ्री होगा, आप छोड़ के भाग तो नहीं जाएंगे? हाँ, तो मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि सभी को हर मैसेज में जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, वीडियो फ्री रहेंगी, बस आपकी फीस इतनी है कि आप जरूरतमंद लोगों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ही जगह पर ग्रामीण क्षेत्र है, लोग गांव में निवास करते हैं, तो इसलिए वहां पर जो है कि संसाधनों की कमी होती है। तो जिनको प्रेरणा लेकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि मैं खुद ऑफलाइन 8 से 9 घंटे पढ़ाता हूं, तो बड़ा शेड्यूल बिजी रहता है, तो मुझे ये वीडियो रात को बनानी पड़ती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ठीक है? और हाँ, एक कमेंट और आया कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराएंगे। हाँ, जितना भी 8 से 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है आपका विज्ञान वर्ग के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैं ओवरऑल सब टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चनों को कराऊंगा। लेकिन अगर आप ये समझे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करके आप कुछ तोप उखाड़ लेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि जो पेपर को सेट करेंगे वो ऐसा नहीं है कि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सी डाल देंगे। हाँ, एक आपको आइडिया मिलेगा, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो आपका जो है कि सिलेक्शन पक्का समझिए, क्योंकि समय लगना है कंसेप्ट को क्लियर करना, उसके बाद तो न्यूमेरिकल करने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत सारे साधन है आपके पास। और मैं भी यहां पर 200-300 क्वेश्चंस आपको दूंगा प्रीवियस ईयर के साथ में इंक्लूड करके जो है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, विज्ञान वर्ग के लिए केमिस्ट्री का पार्ट है। याद रखिए, इसके पहले मैंने डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, क्वांटम का सिद्धांत, आफबाउ, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास बता दिया है। यह आपका लेक्चर 5 है केमिस्ट्री। याद रखिए, सिलेबस में हम बिल्कुल फास्ट जा रहे हैं, एक महीने के अंदर आप देखेंगे कि काफी सिलेबस आपका कवर हुआ रहेगा, तो इसलिए याद करिए, पूरे वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। तो चलिए थोड़ा सा यहां पर इंट्रो के रूप में देखते हैं कि यूपी टीजीटी विज्ञान वर्ग के लिए हम रासायनिक विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री की इकाई 1 परमाणु संरचना का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, शेप ऑफ SPDF ऑर्बिटल। सॉरी, आपके सिलेबस में सिर्फ S है, P है, D है, F नहीं है। TGT में जो है F ऑर्बिटल का शेप नहीं है, सिर्फ किसका है, S का है, P का है और D का है। तो याद रखिए, S, P तथा D कक्षकों की आकृति के बारे में हम अध्ययन करेंगे, इससे आने वाले क्वेश्चनों के बारे में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। मैं आपको कंसेप्ट के साथ ही क्वेश्चनों को बताता हूं, क्योंकि यह फिजिक्स है भैया, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ भी होना जाना नहीं है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक वर्ड में कंसेप्ट बोला जाता है, लेकिन उसका अर्थ बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है? तो चलिए बड़े प्यार से स्टार्ट करते हैं, आप भी स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाइए, और मैं तो बोलूंगा कि बिना समय को वेस्ट किए हुए आप स्क्रीनशॉट लेंगे, वरना जो है कि नोट्स बनाते हुए आप चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं आपका शेप ऑफ एस ऑर्बिटल के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है? तो याद रखिए, एस कक्षक की आकृति मतलब शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, ठीक है? तो सबसे पहले हम शेप ऑफ एस ऑर्बिटल के बारे में बताएंगे, ठीक है? शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, जो आपका शेप ऑफ एस ऑर्बिटल है उसके बारे में बताएंगे हम। अब क्या करेंगे, आप पॉइंट को नोट करेंगे, ठीक है? अगर बात किया जाए कि शेप ऑफ एस ऑर्बिटल क्या होता है, एस की जो आकृति होती है वह होती है स्फेरिकल, ठीक है?
एस की जो आकृति होती है स्फेरिकल होती है, गोलाकार। याद रखिए मैं सिर्फ कंसेप्ट को बोलूंगा, जो एस कक्षक होता है उसकी आकृति जो है आपका स्फेरिकल होती अर्थात गोलाकार होता है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, अब इसी से नहीं क्वेश्चन बनेगा कि बड़ा आसान टीजीटी में दे देगा कि एस ऑर्बिटल का आकृति क्या होती, नहीं। अब देखिए क्या होता है, एस कक्षक में नोड्स या नोडल पृष्ठ पाए जाते हैं। याद रखिए जो एस कक्षक होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, नोड्स पाए जाते हैं या नोडल पृष्ठ। आपसे पूछेगा वो नोडल पृष्ठ या नोड्स क्या होता है, ठीक है, आपसे यह पूछेगा कि नोड्स या नोडल पृष्ठ क्या होता है। आगे समझिए, नोड्स किसे बोलेंगे, अब समझिए, नोड्स या नोडल पृष्ठ। समझिए, अगर आपसे कोई पूछे कि नोड्स क्या है या नोडल पृष्ठ क्या है, तो आप लिखेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है। याद रखिए उसे नोड्स या नोडल पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब समझिए, अब बिल्कुल डिटेलिंग से चर्चा होगी इसके बारे में, अगर आप ये सोचें, क्योंकि कंसेप्ट ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती अथवा बहुत कम होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं या तो क्या बोलते हैं, नोडल पृष्ठ बोलते हैं। अब बोलोगे कि सर और थोड़ा सा डिटेलिंग बताइए, तो और मैं डिटेलिंग बताने का प्रयास करता हूं। अब जहां से एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिए जहां पर एग्जाम में पूछा जाएगा, अब वहां से मैं डिस्कशन करता हूं। देखिए नोड्स इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए नोड्स, ठीक है, नोड्स जो होता है आपका नोड्स इज इक्वल टू होता है n-1 -L, ठीक है, n-1 -L। याद रखिए ये सूत्र है n-1 -L। याद रखिए कि इस बेस को, कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, इसका फॉर्मूला नोड्स इज इक्वल क्या होता है, इस बेस को क्लियर करिए, नोड्स इज इक्वल टू होता है n-L-1 या n-L, क्या होता है n-L। अब देखिए 1s के लिए नोड्स निकालते हैं, 1s के लिए, ठीक है, 1s के लिए नोड्स निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए नोड्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए n की वैल्यू 1 के लिए क्या होगा, देखिए 1s के लिए जब देखेंगे आप तो 1 है ना, n की वैल्यू क्या 1, ठीक है 1 हो गया, माइनस ये 1 है 1, ये भी क्या है -1 है, ठीक है, सॉरी L की वैल्यू क्या होगी, यहां पर देखिए S के लिए L की वैल्यू क्या होगी 0। याद रखिए बेसिक कंसेप्ट, S के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है, S के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0, P के लिए L की वैल्यू क्या होती है 1 और D के लिए L की वैल्यू क्या होती है 2, F के लिए L की वैल्यू क्या होती है 3। याद रखिए इस कंसेप्ट को, खैर मैंने क्वांटम नंबर में आपको ये चीजें बताई हुई है, याद करिए नोड्स 1s के लिए नोड्स की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पर देखिए ये कंसेप्ट को लिख लीजिएगा, तो यहां पर नोड्स क्या होगा, 1-1 करोगे तो क्या होगा 0, तो नोड्स क्या हो जाएगा आपका, नोड्स यहां पर क्या हो जाएगा 0। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1s के लिए नोड्स की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे 0। अब आगे देखिए आप 2s के लिए, 2s के लिए हम नोड्स देखिए, 2s के लिए नोड्स कैसे निकालेंगे, देखिए अब इस सूत्र में रखिए 2 है, n की वैल्यू क्या है, देखिए 2 है, ये n है ना, ये n की वैल्यू क्या है 2,
माइनस वन। अब एल की वैल्यू देखिए क्या हो, एस के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो, माइनस जीरो। टू में से वन गया, ये तो माइनस जीरो है, ए माइनस जीरो है, इसका मतलब ये खत्म हो गया। तो टू माइनस वन करेंगे तो नोट्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए नोट्स आएगा आपका टू माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा, वन। मैं आपको सिखा के रहूंगा, मैं बहुत जिद्दी व्यक्ति हूं, इस बात को समझ लीजिए, मैं आपको सिखा के ही रहूंगा, बशर्ते आप वीडियो में बने रहें। अब 3s के लिए अगर नोट्स बोलना है तो 3s के लिए नोट्स क्या होगा, देखिए 3s के लिए अगर नोट्स निकाले तो नोट्स बराबर क्या होगा 3s के लिए, देखिए अब देखिए n की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 माइनस वन, एल के लिए s की वैल्यू क्या होता है, जीरो, तीन में से एक गए दो, तो इसका मतलब नोट्स क्या हो जाएगा, देखिए नोट्स, नोट्स कितना हो जाएगा, टू। 3s के लिए नोट्स की वैल्यू क्या है, टू। उसी तरह से 4s के लिए निकालेंगे, 4s के लिए नोट्स कितना होगा, 4s के लिए नोट्स क्या होगा बोलो, ये चार है, चार माइनस, ये देखिए माइनस वन है, एल, एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, जीरो, फोर माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा, नोट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए क्या आएगा, थ्री। याद रखिए तो नोट्स किसे बोलते हैं, नोट्स हम बोलते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नोट्स। याद रखिए पहले कंसेप्ट को बहुत अच्छे समझ लीजिए, थोड़ा सा ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, समस्या तो आपको होगी लेकिन कंसेप्ट है, कंटेंट है, तो आपको इसका उपयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए, ठीक है। और जिनके पास कंटेंट है, कंटेंट है, उनके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, और जिनके पास डिजिटल बोर्ड है बस वो बकैती पेल रहे हैं। तो अब यहां पर देखो यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। अब यहां पे देखिए ये 4s के लिए नोट्स की वैल्यू ये आ गई, तीन आ गई। अब देखिए यहां पर आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिक टर्मोलॉजी। अब देखो इधर देखिए, अब देखिए, अब 1s के लिए देखिए, 1s के लिए नोट्स की वैल्यू क्या है, जीरो। वो पूछेगा एग्जाम में 1s के लिए नोट्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब देखिए यहां, वन एस, ये आपका वन एस है, वन एस के लिए नोट्स क्या है, नोट्स जीरो है। अब बोलोगे सर ये नोट्स जीरो है अभी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा रुकिए आप। अब देखो टू एस के लिए, थोड़ा सा रुकिए, अब टू एस के लिए क्या है, देखो वन है ना, अब देखिए, जो ये खाली स्पेस होता है, देखिए ये खाली स्पेस है ना, ये 2s है, तो नोट्स कितने होंगे, देखिए नोट्स 2s के लिए कितने हैं, 1 है, ये देखिए 2s के लिए नोट्स की संख्या क्या है, 1 है। जो ये खाली स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नोट्स या नोडल पृष्ठ बोलते हैं, नोडल सरफेस बोलते हैं। बेसिक सर मैंने बोला ना, बहुत जिद्दी हूं, समझा के रहूंगा आपको, इसलिए बिल्कुल क्लियर करते रहे, चलिए इस फंडे को। अब यहां पर ये देखिए ये 2s हो गया, अब उसकी तरह 3s का करोगे, अब 3s के लिए देखो कितने नोट्स है, देखो दो नोट्स है यहां पर, तो क्या करोगे, देखो आप ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, ये होता है खाली स्थान, ये देखिए ये बीच वाला, अब इधर देखिए ये देखिए, यहां देखिए ये बीच वाला स्थान, तो ये और ये दोनों खाली हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, नोट्स बोलते हैं। यहां पर एक ये खाली, एक ये खाली, देखो ये वाला एक स्पेस है, ये वाला स्पेस है, तो इसी हम बोलेंगे टू नोट्स। यहां पर 3s में कितने नोट्स है, टू नोट्स है, उसीलिए 4s के लिए भी आप कर लोगे, 5s के लिए भी कर लोगे। याद रखिए अगर आपसे कोई पूछे s कक्षक का आकृति क्या होता है, या s कक्षक की आकृति क्या होती है, आप बोलोगे गोली या स्फेरिकल, उसमें क्या पाए जाते हैं, नोड्स पाए जाते हैं। नोड्स क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम और जीरो इज नोन एज नोड्स। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से क्या करें, समझ लें, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को मैं तो इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूं, हम लोग तो इंग्लिश, लेकिन बात जब ग्रामीण क्षेत्र की आती है तो हमारी जो भाषा है, जो हमारी संस्कृति है, वह हिंदी है, तो इसीलिए मैं हिंदी में आपको जानने का प्रयास, हिंदी में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, कोशिश मेरी जारी है।
ठीक है। तो अब यहां पर देखिए ये नोट्स हो गए एस कक्षक की आकृति के बारे में। अब इसी तरह से हम किसकी चर्चा करेंगे, पी कक्षक की। किसकी चर्चा करेंगे, पी की। बिल्कुल बिंदास होकर के आप बैठिए, ठीक है, सीखते रहिए, आप कंसेप्ट को जानते रहिए। अब आता है हमारे पास अब देखिए यहां पर पी कक्षक की आकृति, इसको बोलते हैं शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। Shape of P orbital। अब देखिए, सीखिए आप, समझिए, साइंस है, ठीक है, यह पढ़ाई कहीं जायज नहीं जाती दोस्त, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा। अब यहां पर देखिए P कक्षक की आकृति की बात करें। अब देखिए बेसिक टर्म्स को आप यहां पे क्लियर करिए, रात का समय है, अकेला हूं, इसलिए कैमरे में कितना आ रहा है, बोर्ड मेरा बहुत बड़ा है, याद रखिए, ठीक है, बोर्ड मेरा बहुत बड़ा है, ठीक है, तो हाँ आ रहा है। तो अब यहां पे देखिए आप, बोर्ड भरा है, मुझे देखना पड़ता है कि कितना है। देखिए पी कक्षक की आकृति मतलब शेप ऑफ क्या हमारा, पी ऑर्बिटल। तो इसकी आकृति होती है, देखिए पी कक्षक की आकृति डम्बेल मतलब डमरू के आकार की होती है। डमरू का आकार होता है, याद रखिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पी कक्षक की आकृति क्या होती है, तो आप बोलोगे डम्बल शेप अर्थात डमरू के आकार की होती है। अब इसमें क्या पाया जाता है, देखिए बेसिक टर्म्स को समझिए, ठीक है। इसमें लोब्स, देखिए कंसेप्ट बोल रहा हूं, फालतू का ड्रामा नहीं। इसमें लोब्स, क्या लोब्स मतलब मुंड पाया जाता है, याद रखिए। इसमें लोब्स बोले या तो क्या बोलेंगे, मुंड बोलेंगे, याद रखिए, या तो इसे लोब्स बोलेंगे या तो आप इसे क्या बोलेंगे, मुंड। तो इसमें पी कक्षक में क्या पाया जाता है, लोब्स पाया जाता है। अब लोब्स किसे बोलते हैं, देखिए जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, मैक्सिमम, उसे लोब्स या मुंड कहते हैं, याद रखिए। देखिए वो क्या था, नोड्स था, ये क्या है, लोब्स है। लोब क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है उसे हम लोब्स कहते हैं, और शुद्ध हिंदी में इसे हम मुंड कहते हैं, मुंड। तो अब यहां पर देखेंगे आप बेसिक टर्म्स को समझेंगे, गर्मी बहुत है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज लोब्स, अर्थात जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है उसे हम क्या कहते हैं, लोब्स कहते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके आगे चलते हैं, देखिए कंसेप्ट की झड़ियां हैं, ये फालतू नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, आपको मैं कंसेप्ट ही बताऊंगा, ठीक है, ना तो मुझे ज्ञाता बनना है ना तो आपको ज्ञानी बनाना है, ठीक है, आपके कंसेप्ट को ओपन करना है जिससे कि आपको सफलता मिल जाए, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए ये आपका हो गया, मतलब यहां पर लोब्स पाया जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम होती है। आगे अब देखिए बेसिक टर्म्स को, ठीक है,
अब यहां पर टर्मोलॉजी क्लियर करेंगे। अब देखिए पी कक्षक के लिए, पी कक्षक के लिए, ठीक है। अब देखिए एरो का मतलब इसी के आगे का कंसेप्ट है, ठीक है। यहां पर एरो हुआ ना, तो यहां पर मैंने एरो डाला है, इसका मतलब इसके आगे का कंसेप्ट है। तो पी कक्षक के लिए, अब यहां पर जो पी कक्षक होगा, तो अब देखिए यहां पर पी कक्षक के लिए क्या होगा, ठीक है। पी कक्षक के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मजा लो भाई साहब, केमिस्ट्री का आप आनंद लीजिए। पी कक्षक के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या, और पेपर के लिए ना छोड़िए, उस समय वीडियो देखेंगे भैया, उस समय कंसेप्ट क्लियर करोगे कि क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। आप समझो, अभी वीडियो देखो और अपने कंसेप्ट को क्लियर करने का क्या करिए, प्रयास करिए मित्र। अब पी कक्षक के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या, एम बराबर क्या होता है मित्र बताइए, टू एल प्लस वन। चुंबकीय क्वांटम संख्या एम बराबर क्या होता है, टू एल प्लस वन। अब देखिए इधर, अब क्या होगा, पी कक्षक के लिए मैंने बोला था भी, एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, जीरो। पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, वन। D के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 2। F के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 3। S, P, D, F, G के लिए L की वैल्यू क्या होता है, 4। H के लिए L की वैल्यू क्या होगा, 5। अब बोलोगे सर A क्या आ गया, भैया क्वांटम संख्या को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, क्वांटम संख्या को ध्यान से देखा होगा तो मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, किस मुख्य क्वांटम संख्या में जी कक्षक या जी उपकोष का निर्माण होता है। मैं कभी कभी जी कक्षक बोलता हूं तो लोग सोचते हैं अरे कक्षक क्या है, ये तो उपकोष है भैया, उपकोष है उसी को जी कक्षक भी बोलते हैं, ठीक है। ये बोलचाल की भाषा में बात की जाती है। तो इसका मतलब देखिए, पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। मुख्य क्वांटम संख्या में मैंने मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या के बीच में जो संबंध था उसमें मैंने ऐसे डिजाइन करके आपको बताया था, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप सीरियस हो जाएं, अगर सीरियस नहीं है तब भी बढ़िया है, और सीरियस है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। आप नहीं सीरियस है तो कोई जरूर सीरियस है, ठीक है। m बराबर 2l प्लस 1 हो गया। अब यहां पर देखिए p के लिए l की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर p के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 1 प्लस 1, तो यहां पर कितना हो भाई, 3 आ गया। 3 आ गया तो m की वैल्यू क्या लिखेंगे भाई साहब, 3 के लिए मैंने बताया है 0 प्लस 1, इस साइड प्लस 1, इस तरफ क्या माइनस 1, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 3 एक्सिस 3 विमीय गति करता, 3 डायमेंशनल मोशन करता है जो इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इधर जैसे नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब बेसिक सम समझिए, ये देखिए वाई एक्सिस हुआ, ये क्या हुआ एक्स एक्सिस हुआ, और ये 3D में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका जेड एक्सिस हो जाएगा। 3D में अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका जेड एक्सिस हो जाएगा। तो 3 डायमेंशनल किसकी बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल। अब 3 डायमेंशनल के टर्म्स में देखेंगे तो अब देखिए यहां 3 डायमेंशन के टर्म्स में, एक मिनट कुछ मिल जाए तब मैं बताऊं, ठीक है। अब यहां देखो ये 3 डायमेंशन में देखेंगे तो अब देखिए ये देखिए ये और ये, ठीक है। यहां कुछ है नहीं, 3 एक्सिस, ये देखो एक दूसरे के ये क्या है परपेंडिकुलर, ये देखिए इसको चाहे एक्स मानिए, चाहे इसको एक्स मानिए, चाहे इसको एक्स मानिए, बेसिक टर्म्स को क्लियर करिए। देखिए चाहे आप इसको एक्स मानिए, अरे खड़े हो जाओ भाई गजब, ठीक है। या तो ये एक्चुअली स्केल है ना, एक पेन यहां पर और होना चाहिए, अगर कोई और पेन आ जाए, अच्छा चलिए मिल गया भाई सब मिल गया, ये देखिए ये, ठीक है यहां देखिए। अरे मौज ले को पढ़ो यार, कहां टेंशन ले रहे हो, जो होगा सो होगा, ठीक है बिंदास रहो, ठीक। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, या ऐसे करेंगे तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक दूसरे के क्या है लंबवत है, परपेंडिकुलर है। इसलिए भैया चाहे आप उसको एक्स मानो, चाहे उसको वाई मानो, चाहे उसको जेड मानो, फिर से बोल रहे हैं, ठीक है, जो वीडियो को स्किप नहीं किया और सुना रहा है, चाहे इसको एक्स मानो, चाहे इसको एक्स मानो, चाहे इसको एक्स मानो, कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप इसको ये सोचिए कि इसी को एक्स मानेंगे हम, कोई ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, ये देखिए
इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन थ्री डायरेक्शन में गति करेगा, या तो एक्स करेगा, या तो वाई करेगा, या तो जेड करेगा, ठीक है। तो इसी टर्म्स में ये है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैंने बताया है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या किसकी व्याख्या करता है। अगर आपने मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या का वीडियो अगर आपने देखा है, क्वांटम संख्या का अगर वीडियो आपने देखा तो जरूर बताओगे कि चुंबकीय क्वांटम संख्या किसकी व्याख्या करता है। आप कमेंट में जरूर लिखेंगे उसे कि चुंबकीय क्वांटम संख्या किसकी व्याख्या करता है, ठीक है। तो मुझे भी तो लगेगा कि भैया कुछ वर्क हो रहा है, ठीक है। आगे देखो यहां पर, ठीक है, ये एम हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब बेसिक फंडा को क्लियर करते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूं मैं, क्योंकि मैं अब यहां पर आकार बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, अब देखिए सबसे पहले पीवाई कर देता हूं। अब कोऑर्डिनेट्स देखिए, आप आकार देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखिए ये, ठीक, अब देखिए, अब ये आपका z एक्सिस हो। अब देखिए इस चीज को समझिए बड़े प्यार से, ये देखो जो बनाना चाहिए ना एक विद्यार्थी को, ये सब बहुत प्यार से आना चाहिए और इससे आपको प्यार करना चाहिए, ठीक है, तभी सफलता मिलती है। ये आपका z एक्सिस, अब देखिए ये ऊपर की तरफ है, ये पॉजिटिव लोब्स, ये नीचे है तो ये क्या कहलाएगा, निगेटिव लोब्स। याद रखिए केमिकल बॉन्डिंग के लिए रामबाण औषधि है भाई साहब। अगर केमिकल बॉन्डिंग आपको नहीं आएगी, अगर जब तक ये नहीं आएगा आपको, ठीक है, ऑर्बिटल्स के सिर्फ। अब यहां देखिए इसको बोलेंगे पॉजिटिव लोब्स, पॉजिटिव लोब्स मतलब मुंड, मतलब धनात्मक मुंड। इसे क्या बोलेंगे, निगेटिव लोब्स, निगेटिव लोब्स मतलब इसको बोलेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक मुंड। याद रखिए इसको ऋणात्मक मुंड बोलेंगे। ये है शेप ऑफ पी ऑर्बिटल का, क्या है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसको क्या बोलेंगे, पी वाई। क्या बोलेंगे इसे, पी वाई। इसी तरह से हम क्या बना लेंगे, पी जेड बना लेंगे। देखिए अब यहां पर देखिए, यहां पर देखेंगे तो अब देखिए इधर ये देखिए, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये देखिए ये y है, ये z है, ये x है। तो अब ये किस एक्सिस पर है, ये आपका अलोंग क्या है, x एक्सिस है, इसका क्या बन जाएगा, px, सॉरी इसका क्या बन जाएगा, यहां पर px बन जाएगा, ठीक है, ये आपका px बन गया, px, ठीक है। बेसिक टर्म्स को आप समझिए, ये px बन गया। इसी तरह से हम क्या बना सकते हैं, पी जेड बना सकते हैं। कैसे जेड बनेगा, ये देखिए ये ठीक है, ये देखिए ये पी जेड एक्सिस बन गया, ये जेड एक्सिस पर, इसलिए क्या बना, ये पी जेड बन गया। ये बेसिक फंडा है, इस बात को समझ जाइए कि पी ऑर्बिटल डमरू के आकार की आकृति बनाता, अर्थात डंबल शेप बनाता है। क्या बनाता है, ये डंबल शेप बनाता है। जब ये डंबल शेप बनाएगा तो इसमें तीन बनेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या मैंने बताया, चुंबकीय क्वांटम संख्या m बराबर 2l प्लस 1, m इज इक्वल टू द 2l प्लस 1। अब l की वैल्यू p के लिए क्या होती है, 1 होती है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब कितना आएगा, 3। 3 को आप कैसे अरेंज करोगे, 0 डालोगे, इधर क्या करोगे प्लस 1, इधर क्या रखोगे माइनस 1, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा है, इस बेसिक फंडा को समझो। हम आगे देखते हैं, या आप इसको नोट कर लीजिए, आपको लोब्स भी पता चल गए। इसे ही हम क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भैया शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, डी कक्षक की आकृति। अब क्या पढ़ेंगे हम, देखिए डी कक्षक की आकृति, देखिए मिटाई देता हूं, यहां फिर से बच्चा लिखता हूं, डी कक्षक की आकृति, डी कक्षक की क्या मित्र बताइए, आकृति मतलब शेप ऑफ
डी ऑर्बिटल, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का क्या करेंगे हम, शेप की बारे में चर्चा करेंगे। देखिए शेप ऑफ डी ऑर्बिटल के बारे में जो हम स्टडी करेंगे, तो अब देखिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। इसका आकार आकार डबल डंबल, डबल डंबल मतलब दो या द्वि डमरू के आकार का, मतलब द्वि डमरू मतलब अभी तो पी में शंकर जी के एक हाथ में डमरू था, अब डी ऑर्बिटल में डी फॉर डंबल, डबल डंबल, डी फॉर याद रखना, कैसे ट्रिक से याद करोगे, डी फॉर डबल डंबल, ठीक है। ये देखिए शंकर जी के दोनों हाथों में डम 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 करके डमरू आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बट डबल डंबल। अगर आपका समझिए कि अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में पूछे कि डी ऑर्बिटल, देखो ये दैनिक जीवन में ही आप समझा करिए, ठीक है। तो डी कक्षक की जो आकृति होती है वह किस आकार का होता है, डबल द्वि डमरू के आकार को, डबल डंबल के, ठीक है, डबल डंबल आकृति का होता है। अब इसमें क्या, इसमें इसमें मुंड पाए जाते हैं, मुंड मतलब लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है, और नोड्स भी पाए जाते हैं। अगर मैं पूछूं कि टूपी में नोड्स कितने होते हैं, अरे भैया अगर टूपी में मैं नोड्स बोलूं तो कंफ्यूज मत होना, टूपी में, अब मैंने नोड्स क्या क्या फॉर्मूला लिखा है, देखिए नोड्स का, नोड्स इज इक्वल टू एन माइनस वन माइनस एल, एन कितना दो, माइनस वन, एल की वैल्यू पी के लिए क्या होता है माइनस वन, टू माइनस टू बराबर क्या है जीरो। तो टूपी में भी नोड्स की संख्या क्या है, टूपी में भी नोड्स की संख्या क्या है, मतलब नोड्स जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, जीरो, जो मैंने एस ऑर्बिटल में बताया था, मतलब एस कक्षक की आकृति में बताया था। अगर 3D में पूछा जाएगा नोड्स, यही फॉर्मूला लगाओगे 3D के लिए भी, 3D के लिए क्या होगा भाई, एन माइनस वन माइनस एल, एन की वैल्यू क्या तीन, माइनस वन, एल की वैल्यू क्या होगा दो, तो थ्री माइनस थ्री क्या आएगा जीरो। भैया किसी चीज में डाउट मत रखना, अगर डाउट में रख रहे हो तो भैया कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, और जब कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो कंपटीशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप इस चीज को देखते रहिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए बेसिक टर्म्स को, यहां पर मैं क्या, इसमें मुंड पाए जाते हैं मतलब लोब्स पाए जाते हैं। अब लोब्स मैंने बताया आपको किसे बोलते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है। उसके आकृति के बारे में चर्चा करते हैं डी ऑर्बिटल के, तो देखिए रटिएगा नहीं मित्र, अगर आप रट रहे हैं तो मेरे पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, ठीक है। अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो, अगर रट रहे हैं तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अब इस चीज को समझिए, अब यहां पर देखिए, अब हम टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है। डी कक्षक के लिए, डी कक्षक के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या, देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या, डी कक्षक के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या एम बराबर क्या होता है बताइए, टू एल प्लस वन। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, वरना ये समझ में नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखिए यहां पर एम बराबर टू एल प्लस वन के, तो एम बराबर क्या होगा भाई, डी के लिए, और डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है मैंने बताया दो, ठीक है। तो एम बराबर क्या होगा, देखिए टू इंटू टू प्लस वन बराबर कितना होगा पांच। अब इसीलिए बोला जाता है डी कक्षक, डी से उपकोष में, डी उपकोष में, डी उपकोष भैया देखो, डी उपकोष बोलू चाहे डी ऑर्बिटल बोलू, भाई उपकोष में ही तो ऑर्बिटल होगा, तो इसीलिए डायरेक्ट हम ऑर्बिटल बोल देते हैं, ठीक है। और डी ऑर्बिटल या डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तो कितने कक्षक होते हैं, पांच कक्षक होते हैं। ये देखिए
क्या हो भाई, 0.5 को कैसे लिखेंगे, +1 +2, इधर क्या लिखेंगे -1, इधर क्या लिखेंगे -2। अब यहां पे बेसिक टर्म्स को देखिए, ये हो गया। अब इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं मित्र, याद करिएगा, इसका क्या होता है dx² - y², ये होता है आपका dzy या yz, और ये होता है dz2, और ये होता है dzx, ये होता है dxy, ठीक है। ये 5 कोऑर्डिनेट्स होंगे, आपको ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये याद कैसे होगा अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि तमाशा थोड़ा सा बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। तो इनके सबसे पहले जो है कि आप ले लीजिए, जो है कि स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, या जो भी लिखना है वो लिख लीजिए, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। अब ये बेसिक टर्म्स हो गया, अब इस बेसिक टर्म्स को देख लीजिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मिटा रहा हूं मैं इसको, क्योंकि आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए 5 कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास, 5 कोऑर्डिनेट्स मतलब अक्ष, ठीक है। पहला देखिए, ऐसे याद करेंगे आप, ठीक है। 5 कोऑर्डिनेट, dxy, dyz, dzx, ठीक है। xyz होता है, तो मैंने आपको बताया कि xyz, तो देखिए ये देखिए, यार गिर जाता है, ठीक है। बिंदास रहो यार, जब मैं शर्माता नहीं तो तुम कहां शर्माओगे, ठीक है। सीखना है ना, तो सीखना है तो शर्माना नहीं अपने को, ठीक है। अब देखो यहां पर ये क्या है, x है, ये y है, z है। पहले xy देखिए, xy yz zx, xy yz zx, तो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तीनों को एक एक बार लिख देना है, dxy dyz dzx, ठीक है। तो ये 3 तो ये हो गए। उसके बाद क्या हो गया, पांचवा देखो, याद रखिए, ये एनर्जी लेवल को डिफाइन करने के लिए आएगा यहां से, ठीक है। तो जब एनर्जी लेवल डिफाइन करने के लिए यहां से आएगा तो आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो अब यहां पर देखो आगे क्या है, dx² - y² एक है, dz2, ठीक है। ये 5 चीजें हैं, ठीक है। 5 कोऑर्डिनेट्स हो गए, आपको ऐसे इसको क्या कर लेना, याद कर लेना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ चीजें आपको सिखाते हुए चलते हैं। अब जब आपको सिखाते हुए चलते हैं तो देखिए क्या हम सीखते हैं यहां पर, ठीक है। अब देखिए, आप बचपन में जब ग्राफ बनाते थे तो कैसे बनाते थे, जैसे ये क्या करते थे, ये एक्स है, ये क्या वाई है, तो इसी के बीच में कहीं ग्राफ बनता था। जैसे मैंने बोला कि x = 3 y = 4, ठीक है। ये y है 1 2 3 4, 1 2 3, तो देखिए इधर से 3 इधर से 4, ये पॉइंट होता था 3 और 4, तो इसका मतलब x और y के बीच में होता था ना। तो अब देखिए xy, इसीलिए समझिए, जैसे ये देखिए xy के बीच में हो गई w का पहला पार्ट, तो इसलिए बेसिक टर्म्स को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझेंगे। अब देखिए रटेंगे तो जिंदगी भर रट भाई करेंगे, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को जानने का क्या करिए, प्रयास करिए। अब देखिए पहला, इसको x, इसको मैंने क्या कर दिया y। अब एक ये देखिए इस एक्सिस पे, ये इस एक्सिस पे, देखिए ये ऊपर है तो इसको प्लस बोलेंगे, ये नीचे तो इसको क्या बोलेंगे माइनस, ये ऐसे है इसको क्या बोलेंगे प्लस, इसको क्या बोलेंगे ये माइनस, ठीक है। हेड को प्लस, टेल को माइनस, मतलब जो आगे तीर होती है, जो अर्जुन वाली जो तीर होती है, इसको आप प्लस मानोगे, अर्जुन वाली तीर को प्लस मानोगे, और टेल को मतलब कुछ जो नीचे है इस साइड है उसको क्या मानोगे माइनस मानोगे, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे तो पॉजिटिव, ये नीचे है तो इसको निगेटिव। अब देखिए, अब ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ये डबल डमरू, एक शंकर जी के एक हाथ में डमरू नहीं, डबल डम्बल, डबल डम्बल, तो इसका मतलब एक इस तरफ ये ऐसे बन जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, तो ये देखिए माइनस प्लस, इधर देखिए ये क्या, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस, ठीक। और इसी तरह से देखिए, देखिए प्लस प्लस, और ये क्या माइनस माइनस, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स को आप समझने का क्या करिए मित्र, प्रयास करिए। उसी तरह से किसका, ये किसका हो गया, ये एक्स और वाई के लिए हो गया डी एक्स वाई, ये dxy हो गया, या नहीं यहां दिखाई दे रहा होगा, तो dxy,
ठीक है। अब उसी तरह से यहां पर क्या करेंगे आप देखिए, ठीक है, इसको x मानिए और इसको आप जो है z मान लीजिए। तो ये देखिए, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये क्या बन गया हमारे पास बोलते डी जेड एक्स, ये क्या बन गया हमारा डी जेड एक्स। थोड़ा सा जल्दी बोलने का प्रयास होता है क्योंकि वीडियो यार थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम होता होगा, ठीक है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट का जो भूखा होता है उसके लिए लंबी वीडियो कोई मायने नहीं रखते, उसके लिए तो कंसेप्ट जरूरी है, ठीक है। ये डी जेड एक्स हो गया, अब ये देखो ये दोनों बना दिए, अब वाई जेड बनाना, अब देखो वाई जेड भी ऐसी सिमिलर होगा, वाई है ये जेड है, या इसको आप देखो इसको जेड मान लो इसको वाई मान लो, तो ये देखिए, ये देखिए, इसे हम क्या बोल देंगे डी वाई जेड बोल देंगे, ठीक है। तो रटना नहीं, ये तीनों तो हो गए डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक है। देखिए ऊपर ना लाइए, हमको पता है कि सोच रहे हो यार इससे क्वेश्चन आ तक नहीं आता, पहले प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर उठाइए, आपको पता चल जाएगा आया हुआ कि नहीं आया हुआ है, ठीक है, आप घूमेंगे वहां, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, अब ये बेसिक टर्म्स है, अब ये बेसिक टर्म्स है, इनको बेसिक टर्म्स को, अब देखिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड टू, इसको ही समझना है, ठीक है। ये तीनों आप नोट कर लीजिए डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। अब कौन सा बताना अपने को, अपने को ये बताना है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड टू, ये दोनों चीजें हमें क्या करना है बताना है। तो अब यहां देखिए, अब समझिए पहले डी जेड टू इसका आकार ड्रॉट नट शेप का होता है, ड्रॉट नट शेप का होता है, इसका ड्रॉट नट डी आर ओ यू जी एस टी ड्रॉट नट, ठीक है। अब ये बनता कैसे, देखिए डी जेड दो ले लीजिए, देखिए एक ये हो गया और एक दूसरा ले लीजिए, सिखाइए ये देखिए, कोई बताएगा नहीं, अगर आप ये सोच रहे होगे ट्राई करके देख लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ओवरलैप कराइए, जब इन दोनों को ओवरलैप कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा, अतिव्यापन, ये देखिए एक ये और एक ये, ठीक है। अब इसको मिटाइए, ठीक है, मिटाइए, देखिए यहां पर ड्रॉट नट शेप, देखिए ये ऊपर वाला पोर्शन, ये बीच का खाली है और ये आपका क्या का पोर्शन, देखिए ये यहां वाला। अब इसी चीज को मैं आपको जो किताबों में लिखा उसको देखिए, ये देखिए, ठीक है, एक्चुअली इंक खत्म हो गया है, इंक को जब तक ना डालो सही से, देखो यहां, अब ऊपर वाला पोर्शन ये देखिए, देखिए जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है, ये बीच वाला खाली स्थान, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला हो गया, ये बीच वाला और यहां पर, ठीक, ये ऐसे बना हुआ है जो अभी मैंने ओवरलैप करके बताया, देखिए कैसे, ये देखिए यहां, ये देखिए जो ये खाली स्थान है आप उसको छोड़ दीजिए, ये देखिए एक खाली वाला दो स्थान, इसका बीच वाला सिर्फ, ये देखिए ये प्लस और ये माइनस, इसको क्या बोलेंगे, कौन सा आकार, डी जेड टू, ये कौन सी आकृति है, डी जेड टू, ये आपके उसमें जो गोल सा दिखाया गया होगा, ऐसे ऐसे करके गोल सा दिखा होगा, तो घबराने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी थकान लग जाती है। अब आप देखिए डी एक्स स्क्वायर, ये तो डी जेड टू हो गया, अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखते हैं, देखिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये देखिए ये इसी तरह से डी एक्स स्क्वायर पे जाओ, ये देखो ये
ठीक, ये तो क्या हुआ डी एक्स स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर वाला बनाइए, ये माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका बन गया डी, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका बन गया डी जेड स्क्वायर। तो देखिए ये पांचों कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड, ठीक है। तो ये आकृति थी, ये आपका लेक्चर फाइव है, लेक्चर क्या है ये फाइव है, इसलिए याद रखिए, इसे अधिक से अधिक शेयर करिए मेरे दोस्तों। आज के लिए इतना बहुत है, जय हिंद जय भारत।